तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कितनी मजेदार यहाँ पर चना चाट बनकर के हो चुकी है रेडी। तो इसी की रेसिपी मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर की है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूले। और वीडियो को में एंड तक बने रहे और इस चना चाट का मजा उठाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से यम्मी टम्मी विद पूजा में। तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं चना चाट। रमजान का महीना चल रहा है और चना हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैंने ले लिए चने। तो हमने सबसे पहले चने को वॉश कर लिया था रात में, और वॉश करने के बाद हमने इसको पूरी रात पानी में रखा था। 1 लीटर पानी डालकर उसमें भिगा कर रख दिया था। फिर सुबह में इसको कुकर के अंदर डाल करके हमने इसको बॉईल कर लिया है और अब ये अच्छे से बॉईल हो गए हैं। तो आपको भी ये सारी प्रोसेस कर लेनी है फ्रेंड्स। और यहाँ पर आप चना देख रहे हैं, ये इस तरीके से अच्छे से फूटना चाहिए हाथों की मदद से। इतना सॉफ्ट हमें चना चाहिए। तो बस इसी तरीके से यहाँ पर हम लोग ये प्रोसेस कर लेंगे। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं यहाँ पर रेसिपी को। फ्रेंड्स, मसाला चना बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बना लेंगे मसाला। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर छोटी सी कटोरी ले ली है और सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी आधा चम्मच के करीबन यहाँ पर रेड चिली पाउडर। तो यहाँ पर मैं आधा चम्मच के करीबन रेड चिली पाउडर ऐड कर दूंगी। अब मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी सूखा हरा धनिया पाउडर। आप इन मसालों को कम ज्यादा कर सकते हैं। ये मैंने 1 चम्मच ऐड किया है। यहाँ पर अब मैं ऐड कर दूंगी थोड़ा सा हल्दी पाउडर। अब मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी थोड़ा सा काला नमक। काला नमक से यहाँ पर टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा आता है, तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी चाट मसाला। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी यहाँ पर अमचूर पाउडर। और बस इन सारे मसालों को हम लोग कर देंगे मिक्स। अब मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी व्हाइट वाला नमक। अब मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी थोड़ा सा गरम मसाला और इस सारी चीजों को अच्छे से कर देंगे मिक्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब मैंने ले लिया है थोड़ा सा पानी। तो मैं इस मसाले में थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये हम लोग अभी क्यों कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, बाद में चना के अंदर डायरेक्ट डालने से क्या हो जाता है फ्रेंड्स कि मसाले सारे जल जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग पहले से ही मसाले को इस तरीके से रेडी करके रख देंगे। एक बार आप इस अंदाज में बनाइएगा, इससे आपकी रेसिपी और भी ज्यादा टेस्टी बनती है फ्रेंड्स। तो बस ये जो हमारा मसाला है वो एकदम बढ़िया से बन करके रेडी हो चुका है, आप देख रहे हैं। तो चलिए अब आगे की प्रोसेस कर लेते हैं फटाक से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने रख दिया एक पैन और पैन में ऐड कर देंगे हम लोग 1 चम्मच के करीबन ऑयल। फ्रेंड्स, यहाँ पर पैन में मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। अब मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी आधे चम्मच के करीबन जीरा और इसको अच्छे से इसमें रेड होने देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो जीरा है वो अच्छे से चटकने लग गया है। तो बस इसी स्टेज पर यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे हमारा बनाया हुआ मसाला। यहाँ पर ये जो मसाला बनाया हुआ था इसको हम लोग आराम से ऐड करेंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे फ्रेंड्स 1 से 2 मिनट के करीबन। फ्रेंड्स, इस मसाले को हमें तब तक अच्छे से सॉटे कर लेना है जब तक इसमें से ऑयल जो है वो ऊपर की तरफ ना आ जाए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मसाले में ऑयल दिखना चालू हो गया है। तो बस इसी स्टेज पर यहाँ पर हम लोग ऐड कर देंगे यहाँ पर हमारे चने और इसको अच्छे से कर देंगे मिक्स। फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जो हमारे चने हैं उस पर एकदम बढ़िया सी कोटिंग आ गई है मसाले की। और बस यहाँ पर इसी स्टेज पर यहाँ पर मैंने बॉइल्ड आलू लिया है, इसको भी मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी इसके साथ। आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं, बट इस चाट में आलू बहुत ही अच्छे लगते हैं। और इसको भी हम लोग अच्छे से मिक्स कर देंगे। बस आप देख रहे हैं आलू के ऊपर भी एकदम बढ़िया सा कलर आ गया है और ये चाट बहुत ही शानदार लगती है खाने में। जितनी ज्यादा हेल्दी है उससे ज्यादा ये खाने में शानदार लगती है। और
इसी स्टेज पे आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा, अगर कुछ मसाले कम ज्यादा हो तो आप यहाँ पर चाट मसाला, नमक यहाँ पर ऐड कर सकते हैं फ्रेंड्स। एक से दो मिनट होने के बाद हम लोग गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे फ्रेंड्स। और यहाँ पर आप देख रहे हैं आलू और चने पर बहुत अच्छी कोटिंग आ गई है, तो बस अब हम लोग गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये पूरी की पूरी प्रोसेस मैंने एकदम लो मीडियम पे की थी, तो बस अब हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारे चने हैं उसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारे चने हैं वो एकदम ठंडे हो चुके हैं, आप देख रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे हमारी सब्जियां। तो चलिए देख लेते हैं सब्जियां क्या क्या ऐड करेंगे चना में। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप जानते हैं कि हम बना रहे हैं चना चाट, तो चना चाट में अगर हम लोग प्याज टमाटर नहीं डालेंगे तो चना चाट कैसे बनेगी। तो यहाँ पर मैंने सब्जी ले ली है, दो प्याज काट लिए हैं, दो टमाटर काट लिए हैं, यहाँ पर मैंने नींबू ले लिया है, यहाँ पर मैंने थोड़ी सी ग्रीन चिली ले ली है, यहाँ पर मैंने ले लिया है हरा धनिया, तो बस इतनी सी ही चीजें ली है। चलिए अब हम लोग इसको ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि ये पूजा अभी ऐड क्यों कर रही है, पहले ऐड क्यों नहीं किया। तो पहले ऐड करने का रीजन ये था कि पहले हम लोग अगर ऐड कर देते ना तो टमाटर होते हैं वो बहुत ज्यादा गल जाते और उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता। बेल में हमेशा कच्ची चीजें ही अच्छी लगती है, पकी हुई नहीं। तो यहाँ पर मैंने दो प्याज ले लिए हैं चॉप किए हुए, इसको ऐड कर दूंगी। उसके साथ यहाँ पर मैंने टमाटर लिया हुआ है फ्रेंड्स, तो मैं इसको भी ऐड कर दूंगी इसके अंदर। इन दोनों चीजों को अच्छे से ऐड कर दूंगी। और अब मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी थोड़ी सी हरी मिर्ची, बाकी सारे मसाले तो हम लोग ऐड कर ही चुके हैं। और अब मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी थोड़े से धनिया पत्ते, और बस अब हम लोग इन सारी चीजों को अच्छे से कर देंगे मिक्स। तो चलिए इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। वाओ ये तो अभी से ही दिखने में बहुत ही शानदार दिख रही है, तो चलिए मैं फटाक से इसको मिक्स कर देती हूँ। आलू तो हमने पहले ही ऐड कर दिए थे, आलू को मैंने बॉईल करके छोटा छोटा चॉप किया था फ्रेंड्स। नींबू का रस, तो एक पूरा नींबू अच्छे से हम लोग यहाँ पर स्क्वीज कर लेंगे फ्रेंड्स। तो बस अब हम लोग इन सारी चीजों को अच्छे से एक बार फिर से मिक्स कर देंगे। और आप देख रहे हैं हमारी एकदम टेम्पटिंग सी चना चाट बन करके हो चुकी है रेडी कुछ ही मिनटों में, और कितनी शानदार लग रही है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही ज्यादा शानदार लग रही है हमारी रेसिपी, तो मैंने सोचा इसे बाउल में सर्व करने की क्या जरूरत है, चलिए इतनी टेस्टी है कि चलिए ऐसे ही खा लेते फटाक से। और ये बहुत ही शानदार और एकदम टेम्पटिंग चाट बन करके रेडी हो चुकी है, बच्चे हो या बड़े सभी बड़े चाव से खाएंगे इस रेसिपी को। तो इसी तरीके से अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है फ्रेंड्स तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे ही मेरी कोई भी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच पाए फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर लव्ड वंस।